नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस आपको कंपनी के बारे में जानकारी और न्यूज़ के बारे में अपडेट पता चलेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और बूस्ट कराने के लिए काफ़ी होगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुजलॉन एनर्जी के बारे में। अभी देखिए, सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करने से पहले एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम आप देख सकते हैं रिनोम। एक्चुअली कंपनी का नाम है रिनोम। तो रिनोम जो है वो एक्चुअली रिनेबल एनर्जी के ऊपर काम करता है और वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। तो रिनोम जो कंपनी है वो बेसिकली आप देख सकते हैं 9 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और करीबन 1936 मेगावाट का प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर चुके हैं। 1494 वाट का टोन वाट टन मतलब टोटल विंड प्रोजेक्ट इसके पास है और उसके साथ 36 मॉडल्स इसके पास है। साथ ही साथ ऑल ओवर अक्रॉस 7 स्टेट में कंपनी काम करते हैं। 17 डिफरेंट मतलब कंपनी अलग अलग डिफरेंट मोटर्स कंपनी बना चुके हैं। साथ ही साथ 200 से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है इसका। साथ ही साथ 1500 से भी सॉरी 1500 से भी ज़्यादा मैन ईयर्स एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ कंपनी बता रहे कि 3,91,000 टॉन्स कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ख़त्म किया है, मतलब कम किया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 0.26 मिलियन टॉन्स फॉसिल फ्यूल को उन्होंने सेव किया है। तो इस ये कौन सा कंपनी है, क्या इसके बारे में कभी तो हमने सोच देखा नहीं, सोचा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या इसके बारे में बात करने वाला है। बिल्कुल नहीं, मैं इस कंपनी के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका क्लाइंट बेस आप खुद ही देख लीजिए। क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांग इसका क्लाइंट्स है, बहुत सारे इसका क्लाइंट्स है बहुत सारे। और इस कंपनी के ऊपर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े स्ट्रांग क्लाइंट बेसिस कंपनी को सुजलॉन जैसे बड़े कंपनी क्या किया है, एक्वायर किया है। अभी एक्वायर किया है मतलब कंपनी के स्टेक खरीदारी की है। तो कितना किया, छोटा मोटा कोई स्टेक खरीदारी किया होगा। चलो वो डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियन सुजलॉन एनर्जी गेन्स ऑन अप्रूविंग 76% स्टेक बाई इन री आप देख सकते हैं रिनोम एनर्जी। तो रिनोम एनर्जी जो है वो बेसिकली एक विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करने वाला कंपनी है और इसका 76% स्टेक इस कंपनी ने सुजलॉन ने खरीदारी की है। तो सुजलॉन जो है वो मार्केट में एक लीडर प्लेयर बनना चाहते हैं, वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। इसीलिए वो लगातार खुद को कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके साथ बड़े बड़े कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वो भी उसी सेक्टर के कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे इस कंपनी के एक खासियत पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं, बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है कि खुद के बिजनेस के ऊपर उसका स्टेबिलिटी ना होने के बाद भी वो दूसरे बिजनेस के ऊपर सोचते हैं, मगर इसके एक ही खासियत पॉइंट है कि सारे बिजनेस को बेच कर सिर्फ अभी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही उसका फोकस है और इंडिया के सबसे बड़े ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, चलो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं 33% विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट में इसी का मार्केट शेयर है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी इंडिया में 94% बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ अदर्स कंट्री में कितना 2.6%, यूरोप में कितना 1.36% एंड यूएस एंड कनाडा में कितना 1%। तो बेसिकली अभी धीरे धीरे करके कंपनी ग्लोबल मार्केट में खुद का पैर जमा रहा है। अभी धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, अच्छा खासा जर्नी भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा एक जर्नी करने के लिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा इस कंपनी के ऊपर क्योंकि कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं, कंपनी रुकने का नाम ही ले रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो स्ट्रांगली लेवल है यहाँ पे कुछ दिन होल्ड किया, उसके बाद एक शानदार तरीके से एक हाई वॉल्यूम के साथ क्या किया, एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो जब भी कोई हायर लेवल में कोई रेजिस्टेंस के ऊपर हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट करे तो सोचना वहाँ से कंपनी के ऊपर एक जर्नी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जर्नी कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसके ऊपर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से जर्नी हो रहा है मुझे लगता है कि वो 86 रुपीज़ 86.90 रुपीज़ के आसपास ये इसका स्ट्रांगली एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है और वो भी आज का नहीं, कई साल पीछे मतलब 2017 से भी पहले इस तरीके से लेवल्स बना था, वही लेवल तक जाकर अटक सकते मतलब वही लेवल तक जा सकते हैं। तो सुजलॉन के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। जब मुझे ट्रेड मिला था उसका तो टारगेट अचीव हो चुके हैं, मैंने 2 ट्रेड पहले लिया था, पहले भी एक ट्रेड था उसके यहाँ पे एक ट्रेड बना था और दूसरा ट्रेड यहाँ पे एक ट्रेड बना और दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना और तीसरा तो बना तो था मगर मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी चल रहा है, इसलिए मैंने इस हाई मतलब
ग्रोथेबल कंपनी को जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, जो एक हाई फ्लाइंग कंपनी बन चुके हैं, उसके ऊपर मैंने एंट्री नहीं लिया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लुपिन इंडिया लिमिटेड। तो लुपिन के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर लुपिन के ऊपर आप बहुत पहले एक बार वीडियो बना के शेयर किया था, बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं आया। चलो इसके ऊपर बात कर लेता हूँ कंपनी के ऊपर। सबसे पहले जो डेटा आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने अच्छा खासा इस बार सेल्स जनरेट किया, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 240 करोड़ से 800 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। मतलब 200 से 800 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ, आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। लोग सोचेंगे कि शायद कंपनी का आधा से इनकम हुआ है तो इसीलिए शायद इतना प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल नहीं। कंपनी जितना सेल्स किया कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम हुआ। पिछले बार सेल्स तो ज़्यादा हुआ था, एक्सपेंस इतना ज़्यादा कर बैठे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत कम हो गया था, उसको इस बार कंपनी बहुत हद तक पॉजिटिव रखा। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी लिमिटेड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा क्योंकि कर्जा बहुत कम थे, और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर हाईएस्टली इस बार अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, हाईएस्टली इस बार नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज़ और भी आपको दिखाना चाहूँगा, इन्वेस्टर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। मैं आपको बता दूं, हम लोग सोचते रह जाएंगे और इंस्टीट्यूशन माल उठाकर चला जाएगा। इंस्टीट्यूशन 13% तक होल्डिंग को लेकर आए थे, आज उसका होल्डिंग 19% हो चुके हैं। मतलब हाईली इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया है, और म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफएस के साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी 15% का होल्डिंग से घटकर 16% तक कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा होल्डिंग किया, अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी होने का चांसेस भी है, और इसीलिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को जब मैंने वॉच किया तब मैंने आपको ये भी बताया कि आप एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को ओपन करके दिखाता हूँ। मैं लुपिन के बारे में एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। देखिए लुपिन के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो कुछ पैटर्न्स इस तरीके से बने थे, पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, तो कप विधाने पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और कंपनी ने 220 डेज में 53% के आसपास रिटर्न दिया। तो बहुत शानदार एक कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार एक रिटर्न जनरेट किया, और अच्छा खासे यहाँ पे रिटर्न कंपनी कंप्लीट किए। अब रिटर्न मतलब टारगेट होने के बाद मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ फ्रेश डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब तक कोई फ्रेश पैटर्न्स ना बने, जब तक कोई फ्रेश एंटी ना बने तब तक डिसीजन मैं नहीं लूँगा। तो जब यहाँ पे एंटी बना था, जब यहाँ पे बीच बीच में भी एक दो बार मैंने वीडियो बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, और फाइनली जब टारगेट बना तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया, और आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बार कमेंट्स भी आते रहते हैं कि इसके ऊपर फिलहाल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत नीचे लेवल से बाई करके रखे हैं। तो उसका यही क्वेश्चन है कि सर मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन तो नहीं हूँ कि आपको एग्जिट बाई का बारे में आपको आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपने कुछ पॉजिटिव डिसीजन देखकर, कंपनी के ऊपर पॉजिटिव अपडेट देखकर आपने बाई किया होगा तो आपके कोई ना कोई तो टारगेट होगा, उस जगह पे आप जरूर एग्जिट कर सकते हैं। आपके हिसाब से एग्जिट लीजिए, क्योंकि बाइंग आपके हिसाब से ही करना चाहिए और एग्जिट भी आपके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किए हो, आपके ओपिनियन भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल बेसिकली एक ज़बरदस्त कंपनी है। मैं ज़बरदस्त कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसके पेयर ग्रुप से बात करूँ तो देखिए एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है। अगर इस सेक्टर के जस्ट डायल के बारे में बात करूँ, खुद देख लीजिए इस कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट ग्रोथ से भी ज़्यादा है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट को दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला, जो इस कंपनी के ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट में और भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से इस चीज़ों को समझना कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि कंपनी ने हर साल खुद के रिजल्ट को किस तरीके से पॉजिटिव रखा, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी हाईस्टली देखने को मिला। आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है, जो पिछले साल में 8 रुपीज़ के अर्निंग पर शेयर हुआ था, इस बार बढ़ के वो 16 रुपीज़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हुआ है, जो जर्नी कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरे काम था इस कंपनी के बारे में अपडेट देना, आपका काम है उस अपडेट को वेरीफाई करके काम करना। बेसिकली देखिए म्यूचुअल फंड तो पहले से इस कंपनी का कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं,
और इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि FIs भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका 2.5% के आसपास होल्डिंग था, आज बढ़ के ऑलमोस्ट 7% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। ज़बरदस्त एक होल्डिंग्स देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो बेसिकली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं। और इस यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी ने रीटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, तो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, कंपनी को जर्नी करने के लिए काफ़ी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टारगेट होने से पहले ही करेक्शन हो गया, मतलब कभी ना कभी वो रीबाउंड जरूर करेगा। अभी देखिए मार्केट के ऊपर सब कुछ है, मार्केट के ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज हर दिन देखने को मिलता है, तो उसके कारण शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस कंपनी में टारगेट पाने में। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं फिलोटेक्स फैशंस लिमिटेड। तो ये एक छोटा सा कंपनी है करीबन 1000 करोड़ का। तो कंपनी ने फिर भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पे पब्लिश किया, वो पब्लिक अपडेट क्या है स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले 5 शेयर आपको देने जा रहा है, तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें। एक्चुअली आज के दिन स्प्लिट का लास्ट डेट था, कितने दोस्तों को स्प्लिट मिला है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।